अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा जिन जो लोग ऑटो इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक का काम करते हैं और बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं और बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं और जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा और जॉब नहीं मिल रही या वैकेंसी नहीं मिल रही, वो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। तो भाइयों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए आने वाले लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियो बआसानी के साथ पहुंचे। तो दोस्तों, मेरे पास एक सऊदी अरेबिया की जॉब है जो अभी न्यू पब्लिक हुई है और मेरे पास मौजूद थी, जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में आपको बता देता हूँ कि ये जॉब आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि फौरी रोज़गार सऊदी अरेबिया, फौरी वीज़ा और फौरी रवानगी। उसने बताया कि हमारे मौजूद प्रिंसिपल को सऊदी अरब के मशहूर शिरका अल बवी को दर्जल अफराद की ज़रूरत है। इसमें उसने बताया कि डीजल मैकेनिक चाहिए, HTV 1800 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम उसने बताया, और ऑटो इलेक्ट्रिशन का भी उसने बताया कि HTV हो 1600 रियाल है और प्लस ओवर टाइम है। इसके बाद हेल्पर मैकेनिक है, यानी कि मैकेनिक है उसको हेल्पर भी चाहिए, 1350 सऊदी रियाल दे रहा है और प्लस ओवर टाइम दे रहा है। तो इसके बाद आप ये भी देख रहे हैं, ट्रालर ड्राइवर को वो दे रहा है 1200 सऊदी रियाल प्लस टिप्स, यानी कि उसको टिप्स अलहदा दी जाएंगी और 1200 सऊदी रियाल दिए जाएंगे। टायर पंक्चर वाला भी, जो टायर पंक्चर वाले काम करते हैं, जो वो भी ख्वाहिशमंद है, वो भी ज़रूर जा सकते हैं, उसमें 1400 सऊदी रियाल है प्लस ओवर टाइम है। और जो अकाउंटेंट का काम करते हैं और बाहर जाने के ख्वाहिशमंद है, वो भी इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट को वो दे रहे हैं 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम, और लेबर जो मजदूर तबका है उसको दे रहे हैं 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम। उसमें इस वैकेंसी में उन लोगों ने ये शेयर किया हुआ है कि ड्यूटी 8 घंटे, माहदा 2 साल, और रहायश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजरिया कंपनी देगर मरालत सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक ख्वाहिशमंद हजरात अपने असल कागजात के हमरा तशरीफ लाएँ। उसका कहना है कि ड्यूटी 8 घंटे होगी और माहदा 2 साल, मेडिकल ट्रांसपोर्ट और रहायश ये कंपनी ही देगी, उसके बाद उसने मुनासिब अखराजात। ये उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया हुआ है, अपने एड्रेस के ज़रिए आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। जो लोग तो सियालकोट के हैं और डस्का वज़ीराबाद और गुजरांवाला के लोग हैं, वो तो यहाँ पर डस्का में उनकी एक ब्रांच है, वहाँ पर जाके उनके अपने कागजात जमा करवा सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी ब्रांच उनकी लाहौर में है, लाहौर में उनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, हरमैन नादरा ऑफिस नंबर 431 नंबर चौक यतीमखाना लाहौर, यतीमखाने के पास लाहौर में है, और रावलपिंडी में आप जा सकते हैं, मरी रोड के पास रावलपिंडी है। ये उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया, आप ईमेल एड्रेस के ज़रिए भी उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और जो ईमेल एड्रेस नहीं पहचानते या नहीं करना जानते, उनके लिए उन्होंने नंबर भी दे दिए हुए हैं, ये देखें उनके नंबर, आप देखें पढ़ सकते हैं। और अपने ये मोबाइल नंबर है कि आप इस मोबाइल नंबर पर किसी वक्त भी आप रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के बाद आप उनसे पूरी डिटेल लेने के बाद आप उन तक पहुँचें। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने एक लड़के के लिए मैंने पूछा था कि यार इसने अप्लाई करना है, इसने जाना है, उन लोगों ने कहा था कि मुकम्मल कागजात CV लेकर हमारे जो दफ्तर हैं उन वहाँ तक पहुँचें और कुछ दिन बाद हम उनको टाइम देंगे, टाइम देने के बाद हम उनकी एक ट्राई लेंगे, काम करने की सलाहियत देखें क्या वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब वो मियार के मुताबिक पूरा उतरेंगे तो उनको वैकेंसी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी एक और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, 200 के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये वैकेंसी जो मेरे देख रहे हैं आपको, ये वैकेंसी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आपको ये फिर बता रहा हूँ कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उसके बाद जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी मिल जाएगी। आप वहाँ पर लिंक पर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, आप जब ओपन करेंगे तो आप आसानी के साथ इस वैकेंसी को पढ़ सकते हैं और अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।